हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं टेक एंड ट्रैवल में। फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप दो बैटरियों को मेन से चार्ज कर रहे हैं तो वह कितना पावर कंज्यूम करती है। क्योंकि फ्रेंड्स, बैटरियों के चार्जिंग में काफी वोल्टेज कंज्यूम हो जाते हैं जिससे आपका बिजली का बिल बढ़ सकता है। और लास्ट में मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, इसमें यदि आपका बिजली का बिल जितना आ रहा है उससे भी आपका बिजली का बिल और कम हो सकता है इस ट्रिक से। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसी बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को नॉर्मल स्पीड पर देखिए। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं कि मेन सभी ऑन है और यहाँ पर चेंज ओवर स्विच सोलर इन्वर्टर की तरफ है और यहाँ पर डीसी एमसी भी ऑन है और इन सभी के आपको बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यह मेरा सोलर इन्वर्टर है और यहाँ पर यह मीको का क्लैम मीटर है। इस क्लैम मीटर का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, काफ़ी चीप एंड बेस्ट क्लैम मीटर है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 12.4 एम्पियर इस समय सोलर से भी आ रहे हैं इन्वर्टर में। और यहाँ पर वोल्टेज अभी 35.3 है, जैसा कि आप यहाँ पर क्लैम मीटर में भी देख सकते हैं, लगभग 12 एम्पियर अभी आ रहे हैं। और यहाँ पर 12 एम्पियर अभी सोलर पैनल से आ रहे हैं, जो कि मेरे पास दो सोलर पैनल हैं जो कि 24 वोल्ट के हैं, काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। दोनों ही मोनोपक टेक्नोलॉजी पर बेस्ड सोलर पैनल हैं और यहाँ पर अभी बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 30 एम्पियर से। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने 24 वोल्ट के जो सोलर पैनल है उनकी सर्किट में जो वोल्टेज है लगभग 35 तक हो जाती है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा वोल्टेज बचते हैं वो MPPT एम्पियर में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, वोल्टेज 35 आ रहा है इन्वर्टर के डिस्प्ले में और यहां पर बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 30 एम्पियर से जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है, क्योंकि बैटरी को चार्ज करने के लिए सिर्फ 12 वोल्ट की आवश्यकता होती है और 12 वोल्ट के बाद जो बचे हुए वोल्टेज है उसको यह RMPPT इन्वर्टर एम्पियर में कन्वर्ट करके बैटरी को चार्ज करता है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और एम्पियर हमें बैटरी में कैसे सेट करने हैं, एम्पियर इस इन्वर्टर में हमें कैसे सेट करने हैं, इसके बारे में भी मैं अभी आपको बताऊंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस समय सोलर से अभी यदि हम वाटेज को कैलकुलेट करें तो इस समय 420 वाटेज सोलर से आ रहे हैं। लगभग हम 12 एम्पियर को मल्टीप्लाई करेंगे 35 वोल्ट से, तो इस समय सोलर से 420 वाट आ रहे हैं जो कि सीधे बैटरी को चार्ज करने में यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर अब हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर IT मोड और बूस्ट चार्जिंग मोड को यदि आप प्रेस करेंगे तो आप कैलिब्रेशन मोड में पहुँच जाएंगे। और यहाँ पर देखिए ग्रिड चार्जिंग मैंने ऑफ की हुई है, यानी कि इस समय जितने भी एम्पियर आ रहे हैं वो सारे के सारे बैटरी को चार्ज करने में ही यूज़ हो रहे हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। और यहां पर मैं बैटरी चार्जिंग एम्पियर 40 सेट कर देता हूं, क्योंकि अभी इस समय सोलर से सिर्फ 12 एम्पियर ही आ रहे हैं, तो यहां पर मैंने सेट कर दिया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि क्योंकि यह RMPPT इन्वर्टर है इसलिए यह बैटरी को 30 एम्पियर से चार्ज कर रहा है, क्योंकि आप क्लैम मीटर में यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से, और नीचे वाला जो बटन है उससे आपकी जो सेटिंग है वह सेव हो जाएगी ग्रिड चार्जिंग वाले बटन से, और इससे आप वैल्यू को घटा बढ़ा सकते हैं IT मोड और SMF मोड से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैटरी की लाइफ को इनक्रीज करने के लिए आपको बैटरी रिकनेक्ट वोल्टेज आपको ज़्यादा से ज़्यादा रखना है, जो कि मैक्सिमम आप 12 वोल्ट रख सकते हैं UTL गामा प्लस में। और यहाँ पर ये सारी रीडिंग है जो कि इसमें डिफॉल्टेड सेट हैं, वोल्टेज की रीडिंग है, इनसे आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, सिर्फ एम्पियर से ही आपको छेड़छाड़ करनी है। एम्पियर को आप अपने
अकॉर्डिंग, ये आपके पास जितना बैटरी बैंक है उसके अकॉर्डिंग सेट कर देना है। और एम्पियर किस बैटरी के लिए कितने एम्पियर रहेंगे इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए। और यहाँ पर आप बूस्ट चार्जिंग वाले बटन को लगभग 10 सेकंड तक प्रेस करेंगे तो आप कैलिब्रेशन मोड से बाहर आ जाएंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको पता लग गया होगा कि आपको बैटरी चार्जिंग एम्पियर कैसे सेट करना है। और इस समय बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 420 वाट से, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि, लेकिन डिस्प्ले में अभी बैटरी का जो चार्जिंग एम्पियर है वो 26 से ऊपर नहीं जाता है। यह आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम है UTL गामा प्लस में, लेकिन आप क्लैम मीटर में आप देख सकते हैं कि लगभग 30 एम्पियर तक जा रहा है। तो यह आई थिंक थोड़ी सी प्रॉब्लम है UTL गामा प्लस के डिस्प्ले में, और डिस्प्ले में काफ़ी प्रॉब्लम है इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग 12 एम्पियर सोलर से अभी आ रहे हैं, और सोलर से वोल्टेज भी मैंने आपको बताया था लगभग 35 वोल्ट आ रहे हैं। तो यदि हम वाटेज कैलकुलेट करें तो 12 × 35, तो यहाँ पर इस समय बैटरी चार्ज हो रही है लगभग 420 वाट से। क्योंकि फ्रेंड्स अभी मेंस ऑन है और ग्रिड चार्जिंग मैंने ऑफ की हुई है, इसलिए जितने भी वाटेज आ रहे हैं सोलर से बहुत सारे के सारे बैटरी को चार्ज करने में ही यूज़ हो रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेंस अभी ऑन है। और यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टॉप अप करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास दूसरी बैटरी है उसका वाटर लेवल इंडिकेटर नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो यहाँ पर यानी कि बैटरी को टॉप अप करने का टाइम आ गया है। और आपको किस तरह के वाटर से इसको टॉप अप करना है, देखिए जो येलो वाला जो कैप है उसको हटाने में मुझे दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो काफ़ी कसा हुआ था, इसलिए मैंने जो बैटरी का वाटर लेवल इंडिकेटर शो करने वाले जो कैप होते हैं उनको हटाकर ही मैंने इसको टॉप अप किया है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको बैटरी को चार्ज करने के लिए कौन सा वाटर बेस्ट रहेगा, रेन वाटर बेस्ट रहेगा या डिस्टिल वाटर बेस्ट रहेगा। रेन वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।